नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, सम्मान। दोस्तों, आप सब जानते होंगे जो भी चीजें हमारी सराउंडिंग से, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी, जिन चीजों से आप जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो भी चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो जाती है, उन तमाम चीजों का आपकी लाइफ में जबरदस्त एक रोल अदा करने लग जाती है, उनका एक रोल होता है। आप देखना, कई एक ऐसी चीजें, पशु पक्षी आप लेकर के आएंगे, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कहेंगे कि हाँ, इसको लाने के बाद मेरी किस्मत चमक गई, मैंने ये वाला पेड़ पौधा मेरे दरवाजे पर लगाया और बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल इससे अपोजिट भी कितनी बार होता है, कितने कोई ऐसा पेड़ पौधा दरवाजे पर लगा दे जो आपको बिल्कुल नहीं फलता है, मतलब जिसका शुभ फल आपको नहीं मिलेगा, तो उसको लगाने के बाद आपके ऊपर तकलीफें ही तकलीफें आती हैं। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये तमाम चीजें हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स भी देती हैं, शुभ आशीर्वाद भी देती हैं और एक श्राप भी देकर के चली जाती हैं। आज आपको एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बताती हूँ। ये पेड़ दोस्तों आपकी लाइफ में आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद ही देता है। सोमवार के दिन यदि आप इस पेड़ को छू करके अपनी इच्छा बोलते हैं, बहुत जल्दी आपकी इच्छा रियलिटी में बदलती है, मतलब हकीकत में बदलती है। दोस्तों, ये पेड़ आप देखेंगे यूपीएमपी साइड वैसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई तो हर जगह सब कुछ दिख जाता है। जैसे भगवान, आप मन से ढूंढेंगे तो भगवान भी मिल जाते हैं हर जगह। ऐसे हर चीज़ अवेलेबल है हर जगह। कभी ऐसा होता है कि कुछ एक चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं कुछ जगहों पर, और कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा हमें उसको सर्च करना पड़ता है। कई एक पेड़ पौधे ऐसे मैंने अपनी वीडियोस में बताए हैं कि लोग बार बार उसके बारे में कमेंट करते रहे कि मुझे बताओ ये पेड़, ये पौधा कैसा होता है, ये चीज़ कैसी होती है। कभी कभार अमुक चीज़, जैसे मैंने श्रवण के पेड़ के बारे में एक वीडियो पहले बनाई थी कि श्रवण का पेड़ यदि आपके दरवाजे पर लगा है तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि जैसे पीपल भगवान श्री हरि का वास माना जाता है, वैसे ही श्रवण का पौधे में, श्रवण के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो ये पौधा गूगल में भी कहीं नहीं मिला कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उनको उसको सर्च कर लेते या उसका फोटो दिखा सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी दोस्तों, मैंने एक और चैनल बनाई है व्लॉग्स बाय भदौरियाज। इसके अंदर जैसे मैं कहीं जाती हूँ और मुझे ऐसे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपको उसमें बताने की कोशिश करूँगी कि ये वाले ये पेड़ पौधे हैं। कई जगह पर वो पेड़ और पौधे दिखाई देते हैं लेकिन तब तक वीडियो पढ़ चुकी होती है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी अपनी उस वीडियो में दिखाने की कि ये पेड़ ऐसा है, ये पौधा ऐसा है, है ना? तो ये जो पौधा है दोस्तों, इसको हम शिमर का पौधा बोलते हैं, शिमर का पौधा। ये देखने में थोड़ा पलाश के पौधे जैसा भी लगता है, जब यदि फूल ज्यादा आ जाए तो कुछ गुलमोहर से भी मिलता जुलता होता है। इसमें व्हाइट रंग के फूल आते हैं, कई छोटे छोटे से कांटे भी दिखाई देते हैं और झाड़ अच्छा अच्छा खासा बड़ा होता है। और इसके दोस्तों पूजा बहुत फलदायी होती है। जो लोग सिमर के पेड़ पर नित्य ही जल अर्पित करते हैं, उनकी तमाम इच्छाएं यूं भी पूरी होती रहती हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये तमाम पेड़ आपकी लाइफ को अच्छे ब्लेसिंग से, अच्छे आशीर्वादों से भर देते हैं। वैसे ही जो सिमर का पेड़ है, इस ये भी दोस्तों आपको शुभ आशीर्वादों से भर देता है, व्यक्ति की तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। यदि आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको सिमर का ये पेड़ दिखाई दे जाए तो नित्य ही एक लोटा जल और दो अगरबत्ती आप उसमें लगाना शुरू कर दें, देखते ही देखते दोस्तों किस्मत बदल जाएगी। करके देखना कभी आप। इस पेड़ के पौधे के फूल, इसके फल, हर चीज, काफी तरह तरह की जो दवाइयां हैं उसमें यूज किए जाते हैं,
मतलब ये पेड़ की छिलके से लेकर के फल फूल हर चीज यूज में आती है। ये पेड़ एक वरदान स्वरूप है। और सोमवार के दिन स्पेशल, यदि आपका कोई ऐसा काम है जो अटक रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप सिमर का पेड़ ढूंढ लें, आपके घर के आसपास कहीं पर हो, या आप नर्सरी में जाकर के भी इस पेड़ को मंगवा सकते हैं और अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। दरवाजे पर लगवाते हैं तो पूर्व की दिशा या उत्तर दिशा आप पसंद करें या फिर ईशान को ना पसंद करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वैसे इसको यदि आप लगाते हैं तो घर से थोड़ी दूर पर लगाना, बिल्कुल घर के पास नहीं लगाना, क्योंकि पेड़ बहुत ही अच्छा है लेकिन इसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। थोड़ा सा घर से दूर लगाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। सोमवार के दिन आप एक लोटा जल ले लें, घी का एक दीपक और दो अगरबत्ती लेकर के आप इस पौधे के पास चले जाए। घी का दीपक जला दें, अगरबत्ती लगा दें और एक लोटा जल आप उन्हें अर्पित करें। अर्पित करके आप उसमें एक फेरी लगा लें, प्रदक्षिणा कर लें। उसके बाद में आप इस पेड़ के गले लग जाएं, इस पेड़ से अपने शरीर को चिपका दें और अपनी इच्छा बोल दें। जैसे आप किसी मित्र से मिल रहे हैं, ऐसे प्रेम से आप इस पेड़ के गले लगें और अपनी इच्छा बोलें। इच्छा बोलने के बाद 7 फेरी आप इस पेड़ की लगा लें, नमन करके अपने घर लौट आए। सोमवार के दिन यदि आप इस क्रिया को करते हैं दोस्तों, कुछ ही सेकेंड में, मिनट में, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। आप करके देख लें, करते रहें और खुश रहें। कभी भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ना ही व्हाट्सएप पर किसी का कॉन्टेक्ट करें। जय श्री कृष्ण।